देखिए दोस्तों, बिहार डायरेक्ट एडमिशन 2024-26 डायरेक्ट एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के समय में। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लगेगा, जो कि एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, जो अपने एंट्रेंस एग्जाम का जो ये दिया है, एंट्रेंस आपने मतलब कि दिया है, तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो रिजल्ट और रैंक कार्ड होना चाहिए। तो काउंसलिंग करने में का जो पीडीएफ है, काउंसलिंग वही होता है कि कॉलेज वगैरह अगर सिलेक्शन करने का होता है तो कॉलेज अपने जो सिलेक्शन करेंगे तो उसका लिस्ट आपके पास में रहेगा, उसे मतलब कि काउंसलिंग कहते हैं। तो वो काउंसलिंग जो है ना, उसका पीडीएफ आपके पास में होना चाहिए, वो पीडीएफ आपको एडमिशन के समय में लगेगा। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो अलॉटमेंट लेटर जो है, अलॉटमेंट लेटर वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में 10th का मार्कशीट और इसका जो सर्टिफिकेट है, दोनों आपको चाहिए, है ना, जिसे शहादा कहते हैं उर्दू में। जो उर्दू वाले बच्चे हैं ना, वो ध्यान से सुन लें कि उसका मार्कशीट तो लगभग करेगा, जिसमें आपका जो है कि नंबर वगैरह है सब्जेक्ट का, कितना आपने नंबर लाया, और एक होता है सर्टिफिकेट जो उर्दू में शहादत कहते हैं, वो शहादत आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से जो कि 12th का मार्कशीट, यानी आज आपका मौलवी का, और उसका जो सर ये इसका जो उसका जो शहादा है मौलवी का, वो लगेगा, यानी 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, है ना, ये लगेगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करके रखे हैं, अगर वो ग्रेजुएशन का कागज लगाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका सीएलसी होना चाहिए, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। सीएलसी का मतलब क्या होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। तो सीएलसी अगर नहीं है तो कम से कम टीसी होना चाहिए, टीसी का मतलब वही ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। अगर आप 12th से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप 12th का टीसी या फिर सीएलसी देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद में जो कि आप अगर डीएलएड कर रहे हैं और ग्रेजुएशन का कागज लगाना चाह रहे हैं डीएलएड में, तो आप जो सीएलसी है या फिर टीसी है, वो आपको जो कि ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपके पास सीएलसी नहीं है तो कॉलेज जा करके जहाँ पर आपने मौलवी किया है मतलब कि, या फिर आपने आलिम किया है, या फिर आप जो कि 12th पास किया है, तो वहाँ जा करके आप जो कि ले लेंगे। उसका तो जाति होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं कि आपके पास जाति नहीं हो, जाति होना चाहिए। और उसके बाद निवास होना चाहिए, और निवास के बारे में बता दो भैया कि 1 साल के अंदर का निवास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले आप बना दिए और वही निवास आप लगा रहे, नहीं लगेगा आपसे। तो निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए, है ना। उसके बाद में ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का जो कि उसका एनसीएल अगर मतलब कि रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो है कि एनसीएल जो है वो बनवा लेंगे। उसके बाद में जो पीएच है वो जो अगर मतलब कि आरक्षण पाना चाहते हैं तो अपना सर्टिफिकेट बना लेंगे। फ्रीडम फाइटर जिसके जो कि परिवार से कोई अगर फ्रीडम फाइटर में अगर हिस्सा लिए हो, है ना, तो स्वतंत्र सैनिक में अगर हिस्सा लिए हो, भाग लिए हो, तो वो अपना जो कि ये लगा सकते हैं, जो उसका कास्ट का जो एनसीएल होता है वो बनवा लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड तो हर हर किसी के पास में होता ही है, उसके बाद 5 फोटो। तो अभी मैंने जितना डॉक्यूमेंट्स बताए इन सब का ओरिजिनल चाहिए भैया, ओरिजिनल, और दो दो करके फोटो को बना लेंगे आप, ठीक है, कितना करके दो दो फोटो भी बना लेंगे आप। कॉलेज वाला जो है ना आपका जो कि ओरिजिनल भी ले लेगा और फोटो को भी दोनों ले लेगा, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद में जो कि आपको रिटर्न कर देगा ओरिजिनल, और रिटर्न करने के लिए आपको, रिटर्न मांगने के लिए आपको जो है ना एप्लीकेशन भी लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे दे देंगे, नहीं, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि भैया आपको रिटर्न कीजिए ऐसा वैसा। तो ऐसे मेरा अनुमान से जो है ना 5 महीने के अंदर जो है ना आपको जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स लेगा वो आपको रिटर्न कर देगा।